शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा, जौड़े पुल, धर्मपुरा, मुगलपुरा, गाजियाबाद, कैंट, कैनाल रोड में बारिश का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर में वक्फे वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। महंगाई में पिसे आवाम के लिए नान रोटी भी महंगी करने की तैयारी। नान एसोसिएशन ने कीमतों में इजाफे का इंदिया दे दिया। नान 12 रुपये और रोटी की कीमत 10 रुपये करने का प्लान। गैस और आटे की कीमतों में इजाफे के बायस कीमतें बढ़ाने पर मजबूर हैं। इंतजामिया ने 14 नवंबर तक आटे और गैस की कीमत कम ना की तो रेट बढ़ा देंगे। सदर मुतहदा नान एसोसिएशन ने डेडलाइन दे दी। ASF की अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्रवाई। अदाकार असद मलिक को असलहा रखने पर गिरफ्तार कर लिया गया। ASF के मुताबिक अदाकार को जायदुल मयाद असलहा लाइसेंस होने पर पुलिस के हवाले किया गया। पंजाब पुलिस ने उखाड़ पिछाड़ का सिलसिला जारी। 5 SPs और 31 DSPs के तकरारो तबादले कर दिए गए। उस्मान एजाज बाजवा SPCIA तायुनात, अनम फरयाल को DSP सर्वर रोड लाहौर लगा दिया गया। DG नैब लाहौर का मीडिया को इंटरव्यूज देने का मामला। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने मीडिया को इंटरव्यूज पर पाबंदी लगा दी। डायरेक्टर जनरल्स और दीगर अफसरान के मीडिया को इंटरव्यू पर भी पाबंदी। आइंदा सिर्फ नैब तर्जुमान ही किसी रेफरेंस या मुकदमे की मीडिया को मालूमात देगा। DG नैब लाहौर शहजाद सलीम के इंटरव्यूज का रिकॉर्ड भी तलब। ईडन हाउसिंग के मालिकान से प्ली बारगेन नहीं होगी। मुतासरीन को असल रकम और मुनाफा भी मिलेगा। नैब ने ईडन हाउसिंग सोसाइटी के 20 अरब के असासे कब्जे में ले रखे हैं। नैब दफ्तर के बाहर मुजाहिरा करने वाले मुतासरीन को अंदर बुलाकर चेयरमैन नैब की यकीन दहानी। बोले, करप्ट माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज एहतसाब का अमल जारी रहेगा। DG नैब लाहौर शहजाद सलीम की चेयरमैन नैब को दीगर मेगा करप्शन पर भी ब्रीफिंग। साबिक वज़ीर-ए-आला शहबाज शरीफ के अकाउंट का 500 सफहात पर मुश्तमिल रिकॉर्ड नैब को जमा करवा दिया गया। HBL बैंक का नुमाइंदा नैब में रिकॉर्ड समेत पेश। नैब शहबाज शरीफ और उनके दोनों बेटों के असासों के हवाले से तहकीकात कर रहा है। हबीब बैंक से अकाउंट की तफसीलात तलब की गई थी। लाहौर के रिहायशियों ने दुबई में जायदादें कैसे बनाईं। FIA ने लाहौरियों की दुबई में जायदादों का खोज लगा लिया। 70 से ज्यादा अफराद को प्रॉपर्टी छुपाने पर नोटिस जारी कर दिए गए। नोटिस मिलने के बाद एक दर्जन से ज्यादा अफराद का FIA से राबेता। मेट्रो ऑरेंज लाइन की तरह एक और मंसूबा ताखिर का शिकार। एक मोरिया पुल अंडरपास तौसी मंसूबा रोक दिया गया। फंड्स की किल्लत के बायस काम ठप। PC1 के मुताबिक अंडरपास 30 अप्रैल को खोला जाना था। मंसूबे की लागत का तखमीना 70 करोड़ रुपए लगाया गया है। स्मोक को बनने ना दें रोक। जनरल अस्पताल के जेर एहतमाम आगाही सेमिनार और वॉक का इंतजाम। डॉक्टर्स और माहरीन ने स्मोक से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर से आगाह किया। तनख्वाहें ना मिलने पर शाहीन एयरलाइन के पायलट, कैबिन क्रू और दीगर स्टाफ सड़कों पर आ गया। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज, मुजाहिरीन की नारेबाजी। फौरी तनख्वाहें दिलवाई जाएं, मुजाहिरीन का चीफ जस्टिस से नोटिस लेने का मुतालिबा। पुलिस को गैर सियासी बना रहे हैं। मुझ पर किसी किस्म का कोई सियासी दबाव नहीं। जुराइम पेशा अफराद की पुश्त पनाही करने वाले अफसरान अब बच नहीं पाएंगे। पुलिस के अंदरूनी एहतसाब का यूनिट कायम किया जा रहा है। शहरी ज्योति दरखास्तें देकर वक्त जाया ना करें। IG पंजाब की जेर तरबियत, पुलिस अफसरान के वफ से मुलाकात में गुफ्तगु। वफ्तगु ऑफिस में शिकायत सेल और दीगर शोबों का दौरा भी करवाया गया।
पुलिस असलाहत पर नए आईजी भी अमल दरामद ना करवा सके। आईजी ऑफिस के क्लर्क्स की तैयार करदा पुरानी फहरिस्तों पर ही दोबारा प्रमोशन बोर्ड तश्कील। 2017 की पुरानी लिस्ट में कई रिटायर्ड अफराद के नाम भी शामिल। एसपीज की 45 सीटों पर डीएसपीज को तरक्की दी जाएगी। फहरिस्त को अपडेट कर लिया गया है। एडिशनल आईजी एजाज शाह का मौकफ। और आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी को वर्दी पर बैजेस और रिबन गलत लगाने पर तनकीद का सामना। अपनी ही फोर्स के अहलकारों ने सोशल मीडिया पर तनकीद शुरू कर दी।